अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट का प्री वेडिंग फंक्शन रविवार को संपन्न हो गया। गुजरात के जामनगर में 3 दिन तक चले इस कार्यक्रम का रविवार को आखिरी दिन था। मनोरंजन जगत से लेकर देश विदेश की चर्चित और दिग्गज हस्तियों ने इस फंक्शन में हिस्सा लिया। कार्यक्रम समाप्त होने के साथ सितारों के वापस लौटने का सिलसिला भी शुरू हो चुका है। आपको बता दें कि प्री वेडिंग समाप्त होने के बाद अमिताभ, ऐश्वर्या, अभिषेक बच्चन परिवार के साथ जामनगर से एयरपोर्ट के लिए लौटते दिखे। कई बड़ी क्रिकेट की हस्तियों ने भी इस शादी में शिरकत की थी और तमाम नायाब तोहफों से इस कपल को नवाजा भी है। आपको बता दें, अडानी से लेकर मार्क जुकरबर्ग और बिल गेट्स जैसी हस्तियां इस शादी में शरीक हुई थी, लेकिन बड़े से बड़े दिग्गज सितारों ने अलग ही तोहफों से इन दोनों को नवाजा। लेकिन इस बीच भारत के सबसे जाने माने उद्योगपति रतन टाटा, जो कि हमेशा से ही लोगों को दान और मदद करने के लिए जाने जाते हैं, उन्होंने भी अपना दिल खोला। हालांकि बढ़ती उम्र और तमाम परेशानियों के साथ वो शादी में शिरकत तो नहीं कर सके, लेकिन उन्होंने अनंत अंबानी को अपनी तरफ से शादी का एक छोटा सा तोहफा दिया है। ये छोटा सा तोहफा सिर्फ उन लोगों के लिए है जो काफी ज्यादा बड़ी हस्ती हैं, जबकि आम लोगों के लिए अगर देखा जाए तो 100 करोड़ रुपए का बंगला गिफ्ट के रूप में दिया है। अपने आप में 100 करोड़ की मोटी रकम आम इंसान तो अंदाजा भी नहीं लगा सकता कि ये कितनी होती है, जबकि उनके लिए ये एक छोटे से तिनके के बराबर है। उन्होंने अपने ओहदे के अनुसार ये छोटा सा गिफ्ट अंबानी के बेटे और बहू को तोहफे के रूप में दिया, क्योंकि अंबानी भी इसी तरह की हैसियत रखते हैं। भारत के सबसे अमीर हस्तियों में शुमार अंबानी का दर्जा भी कुछ उसी लायक है, लेकिन रतन टाटा ने जिस तरह से महानता दिखाते हुए ये भेंट दी, आप सभी उनके किरदार को 10 में से कितने नंबर देना चाहेंगे? नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय हमें ज़रूर दीजिएगा और ऐसी ही खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।